रियलमी नार्जो 30 4G चार्जिंग टेस्ट 0 to 100% विथ 30 वाट का चार्जर। सो आज मैं इस स्पेशली इस रियलमी नार्जो 30 4G का एक चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ, यानी कि मैं इसे पूरा 0 to 100% इस डिवाइस को चार्ज करने वाला हूँ। और देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डिवाइस है एग्जैक्टली 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो इस डिवाइस को जो मैं चार्ज करने वाला हूँ, जो इसके साथ में जो चार्जर आया है 30 वाट का चार्जर, उससे ही मैं इस रियलमी नार्जो 30 4G को चार्जिंग पे सेट करने वाला हूँ। ये जो स्मार्टफोन है जस्ट अभी रिसेंटली ही इंडिया में लॉन्च हुआ है रियलमी की तरफ से नार्जो 30, और ये जो डिवाइस है दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, एक है 4GB रैम और सेकेंड है 6GB का रैम। दोनों ही वेरिएंट्स आपको इजीली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट पर। और लेकिन जो 4GB रैम है उसका जो प्राइस टैग है 13,000 रुपये है, और जो 6GB रैम है उसका जो प्राइस टैग है अप्रॉक्स 15,000 रुपीज़ है। और ये आपको दो कलर यानी कि ब्लू एंड सिल्वर कलर में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स का कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि यहाँ पर इस रियलमी नार्जो 30 के रिलेटेड एक चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर करना है, बिकॉज यहाँ पर ये डिवाइस कितना टाइम लेता है पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, जो भी मैं अभी आप प्रोसेस करने वाला हूँ, लाइव करने वाला हूँ अभी के अभी, जिससे कि आपको पूरा इसका डिटेल में आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बैटरी आता है वो है 5000 mAh का बैटरी। तो ऐसे में चेक करना तो बनता है कि 5000 mAh के बैटरी को चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बिकॉज मैं ज़्यादातर जो एक्टिव रहता हूँ वो इंस्टाग्राम पर ही रहता हूँ, तो जो भी आपका क्वेरीज हैं आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। बिकॉज जो आपका क्वेरी है वो और भी हज़ारों यूज़र्स के क्वेरीज हो गए, तो आपके साथ साथ उनका क्वेरी भी सॉल्व होगा। तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउनसाइड में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली वहाँ पर फॉलो करके कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन होगा, डाउट्स होगा, तो डायरेक्टली आप मुझे वहीं पर ही पूछ सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है, आप डायरेक्टली वहीं पर जाके मुझे फॉलो करिए और उसके बाद क्वेश्चंस आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो नाउ इस रियलमी नार्जो 30 4G के साथ में जो चार्जर आता है वो है ये वाला चार्जर। चार्जर बहुत ही ज़्यादा हैवी है, यानी कि हैवी है, और जब इसको हाथ में आप कैरी करोगे तो आपको हैवी जैसा फील होगा। अभी से बात है बिकॉज इसका वॉट ज़्यादा है, 30 वॉट का चार्जर है, तो ऐसे में इसका हैवीनेस ये डिज़र्व करता ही है। तो इसी चार्जर का यूज़ करके मैं इस रियलमी नार्जो 30 4G को चार्जिंग पे करने वाला हूँ। तो अभी जो ये डिवाइस है रियलमी नार्जो 30 4G, इसका जो चार्जिंग है अभी पूरा का पूरा ये ऑलमोस्ट 0% है, यानी कि लास्ट का ओनली 1% इसका रिमेनिंग है। सो चेक करते हैं कि ये एग्जैक्टली कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो पहले मैं आपको इसका बैटरी दिखा देता हूँ कि इसका बैटरी अभी कितना रिमेनिंग है। तो इसके लिए डायरेक्टली मैं जाऊँगा सेटिंग्स में। सो लेट्स ओपन द सेटिंग्स एंड यू सी। सो अभी इसका जो करेंटली बैटरी स्टेटस है इट्स 1% ओनली। एंड तो यहाँ पर मैं अभी जो इसका चार्जिंग है उसे ऑन कराऊँ, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक टाइमर भी सेट किया ताकि आपको इसे ट्रैक करने में ईजी पड़े। तो यहाँ पर अभी मैं टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो अभी चेक करते कि एग्जैक्टली ये कितना टाइम कंज्यूम करता है, जैसे कि आपको ईजिली आइडिया आ जाएगा लाइव प्रैक्टिकल तरीके से कि कितना टाइम ये कंज्यूम करता है। सो इसका चार्जिंग मैंने ऑन कर दिया है एंड ये चार्जिंग अभी स्टार्ट हो चुका है, साथ में टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं 30 मिनट्स का, और 30 मिनट्स के बाद रिटर्न आते हैं और चेक करते हैं कि ये जो रियलमी नार्जो 30 है ये 0 to कितना परसेंट चार्ज होता है नेक्स्ट 30 मिनट्स में। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 30 मिनट्स। सो अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड इसको ज़रा मैं स्टॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं
एंड लास्ट 30 मिनट से ये रियलमी नार्जो 34G चार्जिंग पे कंटिन्यू है एंड 0% से इसको पूरा चार्ज किया था। सो अभी चेक करते हैं कि एग्जैक्टली 30 मिनट्स में 0-2 कितना परसेंट चार्ज हुआ है यूजिंग 30 वॉट का चार्जर जो इसके साथ में आया था। तो अभी जरा टाइमर को जरा स्टॉप करता हूँ, तो अभी 32 मिनट्स हो चुके हैं। सो नाउ चेक इट आउट। तो डिवाइस थोड़ा सा हीट हो रहा है, यानी कि थोड़ा गर्म हो गया है डिवाइस, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रखी है। सो अभी जो एग्जैक्टली बैटरी चार्ज हुआ है 8 से 33% इन लास्ट 30 मिनट्स विथ 30 वॉट्स का चार्जर जो इसके साथ में आया। अब यहाँ पर कहूँ तो ये स्पीड कितना मिला है, पहली बात तो कहूँ तो स्पीड नॉर्मल से भी थोड़ा कम मिला है, बिकॉज 30 वॉट्स का चार्जर है और उसे 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए जो इसके साथ में आया है, तो ये इसने बहुत कम चार्ज किया है। बिकॉज अब इसके पीछे रीज़न ये है, बिकॉज पहली बात तो ये स्मार्टफोन अभी काफ़ी टाइम हो गया इसको, और ऊपर से मैंने इसके अंदर कई सारे गेमिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, और तीसरा है कि इसको मैं स्विच ऑन मोड पे चार्ज कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से इसका हार्डवेयर सिस्टम भी बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो बैकग्राउंड में इसका हार्डवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम रन करने की वजह से और स्विच ऑन मोड में मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ, तो इसने 33% चार्ज किया। लेकिन अगर मैं इसके बदले इसे स्विच ऑफ करके चार्ज करता, मोबाइल को अगर मैं स्विच ऑफ करके चार्ज करता, तो अभी 30 मिनट्स में ये नियरली 50% चार्ज हो जाता, बिकॉज मोबाइल स्विच ऑफ है। तो ऐसे में ये है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूजर्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मोबाइल में को स्विच ऑन करके चार्ज करके बताए, तो यहाँ पर इसलिए मैं इसको स्विच ऑन करके चार्ज कर रहा हूँ, बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी इसको मैं चार्जिंग पे कंटिन्यू रखूँगा एंड फिर से मैं टाइमर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी जो डिवाइस का जो करंट बैटरी स्टेटस है 34% एंड अभी यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं 1 आवर का। सो चेक करते हैं ये पूरा 100% अभी कंप्लीट होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो रिटर्न आते हैं तब जब ये पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। तो देखते हैं अभी 100% चार्ज होने के लिए ये और कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम टिल इट्स कंप्लीट 100%। सो अभी एग्जैक्टली 1 hour 40 minutes कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 1.5 घंटे से ये जो रियलमी नार्जो 34G है चार्ज हो रहा है 0% से। सो अभी चेक करते हैं कि इस 1 hour 40 minutes में ये रियलमी नार्जो 52% से कितना परसेंट चार्ज हुआ है। सो लेट्स चेक इट आउट 1, 2 and 3। तो फिर से पावर सेविंग मोड। सो फाइनली ये पूरा का पूरा जो डिवाइस है अभी 100% चार्ज हो चुका है। तो ओवरऑली इस रियलमी नार्जो 30 ने 1 hour 40 minutes का टाइम ले लिया पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। अब इसके पीछे जो स्पेसिफिक रीज़न है वो मेरे हिसाब से ये हो सकता है, बिकॉज अभी जो मोबाइल है इसमें मैंने कई सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा है, और सबसे मेन बात कि मोबाइल को मैंने स्विच ऑन करके चार्ज किया है। जब स्टार्टिंग में जब मैंने ये नया स्मार्टफोन्स नया जब मैंने परचेस किया था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में इसको चार्जिंग पे सेट किया था, तो उस वक्त इस रियलमी नार्जो 30 ने 0 to 100% डिवाइस को चार्ज होने के लिए ओनली 1 hour 10 minutes यानी कि 1 घंटा 10 मिनट ही इसने कंज्यूम किया था पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। लेकिन अभी इसने टोटली 30 मिनट एडिशनली चार्ज कर लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। ये इसी एंड्रॉयड की बात नहीं है, ये सारे एंड्रॉयड का सिस्टम है। जैसे जैसे एंड्रॉयड मोबाइल पुराना होते जाता है वैसे वैसे उसका पावर कंजम्पशन लेवल बढ़ते जाता है, हार्डवेयर सिस्टम में धीरे धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जैसे जैसे आप मोबाइल भी स्टोर करके जाते हो, जिसमें आप चीज़ें भरते जाते हो, गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जाते हो या एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करते जाते हो, तो इससे क्या होता है कि रैम का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, राइट, फ्री जो सिस्टम कम होते जाता है। तो इसकी वजह से रैम फ्री नहीं रहता, प्रोसेसर भी फ्री नहीं रहता, तो ऐसे में मोबाइल का पावर कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है एंड देन उसके बाद मोबाइल आपका चार्ज होना, चार्ज का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ओवरऑली इस रियलमी नार्जो 30 ने 0 to 100% चार्ज होने के लिए 1 hour 40 minutes कंज्यूम कर लिया।
तो यहाँ पर एक और दो से तीन पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पहली बात तो है कि जो ये मैं इसी एंड्रॉयड मोबाइल के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे एंड्रॉयड मोबाइल के लिए कह रहा हूँ। आप अपने रियलमी नार्जो 30 या कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल को जब भी आप चार्ज करो तो मेक श्योर आप उसको रात के समय चार्ज करना अवॉइड करो, या तो अगर आप रात में चार्ज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको सोने से पहले ही चार्जिंग पर रख दें, और जब आप सोने के लिए जाएँ तो उस समय चार्जिंग से निकाल दें। बिकॉज अगर आप रात को चार्जिंग पर सेट करेंगे तो मोबाइल रात भर चार्ज होते रहता है जबकि उसको उतना चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, और जितना ज़्यादा आप उसको मोबाइल को चार्जिंग अननेसेसरी जितना ज़्यादा आप चार्ज करोगे उतना ज़्यादा मोबाइल की बैटरी की लाइफ पर इम्पैक्ट आता है, और उसके बाद बैटरी जल्दी जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, फिर बैटरी का जो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, जल्दी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, लैग होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज मोबाइल की बैटरी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान रखना है। और आजकल जितने भी सारे स्मार्टफोन्स हैं उसमें तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग डिस्कनेक्ट के ऑप्शन आते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ उन स्मार्टफोन्स की जिनमें ये ऑप्शन नहीं थे। तो ये चार्जर को आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल को चार्जिंग पर रखना है। सो ओवरऑली इस रियलमी नार्जो 30 का जो चार्जिंग है पूरा 100% कम्प्लीट हो चुका है। तो इसका चार्जिंग मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, यू सी पूरा का पूरा जो डिवाइस है ये 100% चार्ज हो चुका है। सो आई होप आपका जो डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो रियलमी नार्जो 30 है ये काफ़ी परफेक्ट स्मार्टफोन है और आपका पैसा पूरी तरीके से वसूल होगा, गेमिंग के मामले में आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। बट ये डिस्प्ले साइज़ छोटा है लेकिन फिर भी प्राइस टैग के हिसाब से जिस प्राइस में स्मार्टफोन मिल रहा है उसके हिसाब से ये बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है इवन प्राइस से थोड़ा ज़्यादा बेटर ही परफॉर्मेंस आपको ये इसमें प्रोवाइड करा रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। सो गाइस इस तरीके के टॉपिक कवर करने में काफ़ी टाइम का हार्ड वर्क एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो डायरेक्टली आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन सेट में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट्स होगा तो आप फॉलो करने के बाद मुझे यहाँ पर पूछ भी सकते हैं। सो ये था इस रियलमी नार्जो 34G का एक चार्जिंग टेस्ट वीडियो 0 to 100%। तो ओवरऑली 1 hour 40 minutes आपका ये कंज्यूम करेगा 0 to 100% चार्ज होने के लिए, और अगर आपका नया स्मार्टफोन है तो ऐसे में 1 hour 10 minutes कंज्यूम करेगा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। कुछ भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और एल्स इंस्टाग्राम पर। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।